बेटे को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सारा परिवार हमारा खोया हुआ है, और उसी की वजह से वाइफ को भी प्रॉब्लम, मेरी बेटी को भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है, पढ़ाई में कर नहीं पा रही। 1.5 साल से सर मैं वीडियो देख देख के मैंने कन्विंस हो गया कि ये मेरे प्रॉब्लम यही दूर हो गई। इसकी वही स्मृति निकाल के नष्ट कर दी जाए जो इसको बात को ठीक से सुनने नहीं देती, सुन के बात को समझने नहीं देती और समझ के उत्तर नहीं देने देती। ओम शिव, नष्ट करके उसे काम कर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलूँ। मैं पंचकुला से आया हूँ सर। अच्छा, दिल्ली से आए। हाँ, पंचकुला नियर चंडीगढ़। अच्छा, खुश। तो गुरुदेव बहुत कष्ट हैं, माँ बाप मेरे एक्सपायर हो गए पिछले कुछ टाइम में ही, और सर मेरे बेटे को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सारा परिवार हमारा खोया हुआ है, और उसी की वजह से वाइफ को भी प्रॉब्लम, मेरी बेटी को भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है, पढ़ाई में कर नहीं पा रही। 1.5 साल से सर मैं वीडियो देख देख के मैंने कन्विंस हो गया कि ये मेरे प्रॉब्लम यही दूर हो गई। तो सर मैं 31 मार्च को यहाँ पर आया, आने के जब रिजर्वेशन करवाई उसी दिन मेरी बेटी का रिजल्ट इतना ख़राब आया कि ऐसे हालात हो गए कि मैं आ ना पाऊँ, लेकिन मैंने घर पर समझाया कि नहीं मैं जाऊँगा, ये हालात सब निपट लेंगे। मैं यहाँ पर आया, यहाँ देख के गया, यहाँ पे बुकिंग बंद थी सर, गुरुदेव जी हाँ। यहाँ पे बुकिंग बंद थी 15 अप्रैल तक। बाद में मैंने बुकिंग करवाई, 1 मई को हमने यहाँ पे वनडे करवाया, DNA में 4 लोग हैं, उसके बाद मिलन नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु जी आपने मेरे को दर्शन दिए। 2 तारीख को सवेरे 7:15 बजे के आसपास आप यहाँ गेट पर मैं खड़ा था, आपने गाड़ी से ऐसे हाथ हिलाया, मैं कृतार्थ हो गया कि मुझे मेरे गुरु जी परमेश्वर मिल गए। मैं अब मुझे मौका मिला है, कल मैंने अमावस्या भी कर लिया, आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेटे को बुलाऊँ? हाँ, बुला लीजिए। आ जा बेटा, नमस्कार गुरुदेव। खुश रहो बेटा। नमस्कार। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? अर्णव शर्मा। अर्णव? अर्णव शर्मा। अर्णव शर्मा, क्या करते हो बेटा? कंप्यूटर काम कराता। कंप्यूटर पे? कंप्यूटर काम कराता। अच्छा, तो क्या परेशानी आपको रही थी? मैं बाबा जी वो मेरी आप बैठ जाओ, आप बैठो, इसको बिठाओ, लिटा दो। आंखें बंद करो। सुश्रुत, इसकी माँ से इसको जोड़ दिया जाए। सुश्रुत रहा, इसके दरबार के सभी संकल्प जो नहीं ले पाया, ये दरबार के सभी संकल्प इसके संकल्प बना दिए जाए प्रार्थना में शामिल करके, और जो रोग और कष्ट इसको हैं शरीर में, जो बता नहीं पाता, जिसको अनुभूति नहीं होती, स्वयं नहीं समझ पाता, वो सभी कष्ट और रोगों की जितनी भी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ वो सब नष्ट कर दिए। हृदय के पास इसको जो दर्द होता है बहुत, वो दर्द की स्मृतियाँ सब नष्ट की जाए। शिव, जो प्राइवेट सेंसेशन होते हैं और ये स्खलित होता है बार बार प्राइवेट पार्ट में, वो सब नष्ट किए जाए। स्मृतियाँ शिव, सभी गंदी स्मृतियाँ नष्ट करके शिव को कर। वही तो आटा है शिव। सुश्रुत, सर्जरी कर दे मस्तिष्क की, दादी जी सहयोग करें।
सर जी करके टाँके लाग लेपन कर दे शुद्धि कर, जो बाहर स्मृतियाँ इसकी स्वयं की स्मृतियाँ बाहर शुद्ध कर दी, वापस डाल दिए, सक्रिय कर दिए। पांच बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। करवट लीजिए, एक तरफ करवट ले लीजिए, करवट लेकर बैठिए, खड़े होइए, अब आप मूवमेंट करिए, चलिए फिर ये थोड़ा, खड़े होइए। इसकी वही स्मृति निकाल के नष्ट कर दी जाए जो इसको बात को ठीक से सुनने नहीं देती, सुन के बात को समझने नहीं देती और समझ के उत्तर नहीं देने देती। ओम शिव, नष्ट करके उसे काम कर, ओम थोड़ा बड़ा किया जाए, थोड़ा बड़ा किया जाए इसको, और बड़ा सही से दो इंच शिव स्थिर कर दिया जाए। फिर पांच बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, क्या नाम है आपका? अर्णव शर्मा। अर्णव शर्मा, तो अर्णव कैसा लग रहा है अब तुम्हें? अच्छा लग रहा है। जरा मूवमेंट करो, देखो तुम छोटे हो कि बड़े हो गए हो, देखो मूवमेंट करो, बाबा जी मैं बड़े हो गया हूँ, बड़े हो गया हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ बाबा जी, वो मुझे भी ठीक कर दो। बिल्कुल अच्छे रहोगे बाबा, लेपन आपको लेपन करना है। हाँ। और बाबा माँ से प्रार्थना करना है हमेशा। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है करूँगा बाबा जी। मैं बहुत डांटा था, आप तो नहीं डर लग रहा कोई? बहुत डर, कुत्तों से डर लग रहा, पटाखों से भी डर लग रहा। तो आप देखो डर लग रहा है, आँख बंद कर देखो, कुत्तों से या पटाखों से सोच के देखो, कोई डर लग रहा है उनको? हाँ। देखो अच्छे से, कुत्तों से भय और पटाखों से आवाज से भय नष्ट कर दिया जाए। हाँ। शिव, नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया। ओम, जब भी कुत्ते देखे पटाखे देखे बजे तो आनंद का अनुभव हो, ऐसी स्मृति डाल दिया, सक्रिय कर दिया। बैलेंस बोलो पांच बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अब फिर से देखो, कुत्ते देखो और पटाखे सुनो आवाज, कोई कष्ट लग रहा, भय लग रहा? नहीं नहीं, अब तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, खुश रहिए। जय बाबा जी, जय बाबा की जय। खूब खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। गुरुदेव एक बार पत्नी और मेरी बेटी को भी, सबको, सब लोग संकल्प करें अपना। हाँ, उनका सर केवल संकल्प, बेटी का पढ़ाई में कर दो सर, ठीक हो, संकल्प करें, ठीक, अपना अपना संकल्प, जो करेंगे वही होगा। अभी पढ़ाई का अच्छा कर दिया गया है, पूछ लीजिए उससे।